हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था एडवर्ब क्लॉज, और एडवर्ब क्लॉज का रूल जो भी था, छोटा मोटा जो भी थोड़ा बहुत था, वो सारा मैंने रूल्स बता दिया था। और वो सेंटेंस कैसे यूज किए जाएंगे, कैसे जोड़े जाएंगे, ये भी बातें मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। और ये मैंने आप लोगों से बोला था कि सबसे पहले इसका एक्सरसाइज करने से पहले आप लोगों को कंजंक्शन का वीडियो देखना चाहिए। कंजंक्शन का वीडियो या फिर कहीं से भी आप लोग कंजंक्शन देख सकते हैं। कंजंक्शन का वीडियो अगर मेरे वीडियो से देखेंगे तो वहाँ पर मैंने बड़ा अच्छे से एकदम डिटेल में मैंने बताया है, तो उसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो हमारा एक्सरसाइज जो भी है, जो कि आज पीछे दिख रहा होगा कि आज मैं एक्सरसाइज कराऊँगा, जैसा कि पिछले वीडियो मैंने बताया था कि मैंने तीन वीडियो उसमें करा दिया था सॉल्व, और उसके आगे से ही चौथे क्वेश्चन से मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो चौथे क्वेश्चन से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर इसका सारा रूल जो है मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। अब यहाँ पर इसके क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस लिखे गए हैं, इनके बारे में हम लोग बताते हैं। तो यहाँ पर है, ही वेंट टू अ कॉन्फेक्शनरी, ही वॉन्टेड टू बाई सम बिस्किट्स। अब ये क्या है, जब भी किसी सेंटेंस में आ जाता है वांटेड टू करके आ जाता है, तो वहां पर ये समझ लीजिए कि अगर आ गया है वांटेड टू करके आ गया और बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, तो ये समझ लीजिए पर्पज ही है। ठीक है, ये पर्पज ही है। ठीक, ये पर्पज का सेंस आएगा। और पर्पज वाले में कंजंक्शन की बात करें तो दो होता है, एक मतलब और भी होते हैं लेकिन मेनली दो ही होते हैं। एक होता है सो दैट और एक होता है लेस्ट। लेस्ट का यूज, ध्यान देना, हमेशा निगेटिव सेंस में किया जाता है। ठीक है, निगेटिव सेंस में किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी निगेटिव सेंस नहीं आ रहा है, तो हम सो दैट का यूज करेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि सो दैट के बाद या तो मे का यूज करेंगे या तो माइट का यूज करेंगे, वो टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे देख लेते हैं यहाँ पर, और जो जिसमें वांटेड टू लगा रहेगा वही पर्पस बताएगा। तो यहां पर जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही वेंट टू अ कॉन्फेक्शनरी, ही वेंट टू अ कॉन्फेक्शनरी। अब वो हमारा पर्पस बता रहा है, तो यहां पे लिखेंगे हम क्या, सो दैट। ठीक, सो दैट लिख दिए, सो दैट ही। अब उसके बाद हम एक मॉडल वर्ब यूज करेंगे, या तो मे का यूज करेंगे या तो माइट का। तो बताओ टेंस क्या है दोनों का, पास्ट का टेंस है क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, और एक ही इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। कौन सा टेंस है? वो है पास्ट इंडेफिनिट। तो ये पास्ट इंडेफिनिट भी तो पास्ट का ही बात है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हो जाएगा माइट, ही माइट बाई, उसका पर्पज क्या है, बिस्किट खरीदना, ही माइट बाई सम बिस्किट्स। ये हो जाएगा, बातें आ रही समझ में। आगे देख लेते हैं, ही केम टू मी, आई वॉज राइटिंग एन एसे, आई वॉज राइटिंग एन एसे, वह मेरे पास आया, मैं ऐसे लिख रहा था। अब यहां पर किस चीज की बातें, मैंने बताया था कि जब टाइम की बातें आती है, क्या इसमें टाइम बता रहा है, समय की ही बात है ना, कब वो आया, जब मैं पत्र लिख रहा था, तो जब आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, वेन। तो यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, ही केम टू मी वेन आई वॉज राइटिंग एन एसे, या फिर वेन आई वॉज राइटिंग एन एसे ही केम टू मी, जैसे भी आपको अच्छा लगता है वो कर दीजिए। मैं तो यहां पे ये कर देता हूं कि वेन से नहीं, वैसे ही मैं बनाता हूं, तो हो जाएगा ही केम टू मी वेन आई वॉज राइटिंग एन एसे। ठीक, ये हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं। ही वर्कड हार्ड, ही वॉन्टेड टू गेट द फर्स्ट डिविजन इन द एग्जामिनेशन। देखो अभी मैंने बताया था कि वॉन्टेड टू लगा रहेगा तो वो पर्पज होगा, और पर्पज होगा तो यहां पर जब वॉन्टेड टू लगकर आएगा तो वहां पर कंजंक्शन लगेगा सो दैट। सो दैट में थोड़ा सा स्पेस रहेगा, एक लेटर का स्पेस, सो दैट। ठीक, ये तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ही वर्कड हार्ड सो दैट, ही वर्कड हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है ताकि, क्यों कठिन परिश्रम करता है, ताकि वह एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन आ सके, प्राप्त कर सके। तो हो जाएगा ही, अब देखो टेंस देखेंगे तो क्या है, अच्छा किया, ही वर्कड हार्ड, अरे वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट का यूज करेंगे क्योंकि पास्ट की बात है, ही माइट गेट द फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जामिनेशन। ठीक, ये बातें हो जाएंगी। जब भी वांटेड टू से आता है तो समझ लीजिए कि पर्पज है, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक, आगे देख लेते हैं। करण हैज फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन, द रीजन इज हिज केयरलेसनेस। अगर ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि मैं किससे बनूंगा, एकदम आसानी से बता दे रहा है कि मैं कैसे और किस कंजंक्शन से बनूंगा। तो यहां पर देखो साफ साफ देख रहा है कि रीजन, रीजन आ रहा है तो क्या लगेगा, बिकॉज, तो क्या हो जाएगा, करण फेल हो गया फाइनल एग्जामिनेशन में, और कारण क्या था, क्योंकि वह लापरवाह था, है ना, थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज, अच्छा इज है ना, बिकॉज ही इज केयरलेस, ऐसा हो जाएगा। तो हो जाएगा करण हैज फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन, करण हैज फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन, करण अपने फाइनल एग्जामिनेशन में फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, बिकॉज, क्योंकि ही इज केयरलेस, ये चीजें हो जाएंगी। ये भी ऐसी ही है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, बिकॉज ही इज केयरलेस, क्योंकि वह लापरवाह है, लापरवाही करोगे तो फेल तो हो गई। तो इसलिए मेरे चैनल से जुड़ो इंग्लिश इन गुरुकुल में और इंग्लिश सीखे एकदम आसानी से। ठीक, तो यहां पर देखते हैं, अच्छा ये क्यों हो गया ऐसा, हाँ, वी वॉन्ट टू स्टडी, वी एस्पायर टू गेट अ गुड जॉब, फिर वही बात, वॉन्टेड टू, वॉन्ट, एस्पायर, ये प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट की बात है, वी वॉन्ट टू स्टडी, हम लोग पढ़ना चाहते हैं, वी एस्पायर टू गेट अ गुड जॉब, हम लोगों को अच्छे नंबर पाने की क्या है, आकांक्षा है, इच्छा है अच्छा नंबर पाने की। इसमें भी हम कारण से बना सकते हैं, क्यों हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अच्छा नंबर पाने का ही इच्छा है, या फिर ताकि हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो हो जाएगा क्या, वी वॉन्ट टू स्टडी, हम लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, सो दैट, सो दैट वी मे गेट, ताकि हम लोग क्या कर सकें, पा सके क्या, अ गुड जॉब, अ गुड जॉब। ठीक है, अब देखो पर्पज ये है गुड जॉब पाने का, यहां पे पर्पज स्टडी करना नहीं है, स्टडी करके एक गुड जॉब करना है। अभी तो मैंने यहां पे बोल दिया था कि वांटेड टू आ रहेगा तो वो पर्पज होगा, वही वाला सेंटेंस, लेकिन यहां पे देख रहे हैं ना कहां गया, वांटेड टू आ रहा है तो वहां पे कन्फेक्शनरी पे जाने का
पर्पज था कि बिस्किट खरीदना, ये पर्पज था, तो इसलिए वहां पर उसको मैंने बनाया। और यहाँ पे एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीजन आना था, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, इसको पर्पज बनाया। लेकिन यहाँ पे पर्पज की बात करें, यहाँ पर वांट कहाँ गया, वांट टू स्टडी है, तो स्टडी करना पर्पज नहीं है उसका। मेन पर्पज तो वो है, लेकिन मेन पर्पज क्या है, अ गुड जॉब, टू गेट गुड जॉब, अच्छा जॉब प्राप्त करना, ठीक है, तो वो है। अगले पे चलते हैं, ही वॉज इल, ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन। ये तो एकदम आसान है, आप लोग बना सकते हैं, बिकॉज चाहे तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे तो उसको पहले भी ले सकते हैं, मेरी इच्छा ऐसी है, आपकी जैसी इच्छा करता है आप वैसे करिए, ठीक है। बिकॉज ही वॉज इल, कॉमा तब यहाँ लगाएंगे, ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, ये क्या हो गया, यहाँ पर अटेंड द फंक्शन होगा, फंक्शन, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार। यहां पर देखते हैं, देखो यहां पर अगर हम देखें तो रीजन से भी हो सकता है, लेकिन हम यहां पर बनाएंगे रिजल्ट से, क्योंकि वेरी आया है, तो वेरी आया रहता है तो उसको रिजल्ट से बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि अगर हम रीजन से भी बना दें तो कोई दिक्कत नहीं है, रीजन में बिकॉज आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, एज आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा, ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार एज ही इज वेरी पुअर, बिकॉज ही इज वेरी पुअर, सिंस ही इज वेरी पुअर, कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट, ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊं तो आप लोगों को दिखे कि हाँ ऐसा कुछ तो है, ठीक है, दैट ही कैन नॉट अफोर्ड कार, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही वॉन्टेड टू पास, देखो फिर आ गया, अब इसमें मैं क्या करूं, इसमें क्या करूं, इसको मैं छोड़ता हूं, इसको आप लोगों को करना है एकदम एज इट इज, क्या बताऊं, देखो ऐसा है, ये ऐसा भी हो जाएगा और यहां पर भी है, यहां पर पर्पस क्या है, पर्पस ही तो बता रहा है, पास होना उद्देश्य है उसका, पर्पज है, तो इसको हम एडवर्ब क्लास बनाएंगे, सॉरी यहां पर गड़बड़ हो गया, तो यहां पर हम इसको पर्पज बनाएंगे, तो इसको मैं छोड़ता हूं, इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, क्योंकि ये बहुत कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, वॉक केयरफुली यू मे फॉल डाउन, ध्यान से चलो तुम गिर सकते हो। अब यहां पे देखो निगेटिव सेंस आ रहा है, अब ऐसा नहीं है कि निगेटिव सेंटेंस आए, पर्पज है, देखो ध्यान से चलने का पर्पज क्या है कि गिर न जाओ ना, है ना, तो यहां पर हम बात करेंगे पर्पज वाले में, एक और कंजंक्शन मैंने बताया था लेस्ट, और लेस्ट के बाद हम जैसे सो दैट के बाद हमेशा मे या माइट का यूज होता है, उसी तरीके से लेस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज होता है, तो यहां पर जब हम बनाएंगे तो इसका बनेगा क्या, वॉक केयरफुली लेस्ट, सॉरी अब क्या हो गया, लेस्ट लेस्ट यू, अब मे माइट कुछ भी लगा रहे हैं, हमको हटा के शुड करना है, इसमें टेंस का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी टेंस आ जाए हम शुड ही लगाएंगे, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, अब इसका क्या मतलब हो जाएगा, वॉक केयरफुल्ली, ध्यान से चलो, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, ध्यान से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तो यहां पर लेस्ट का मतलब आ जाता है कहीं ऐसा ना हो कि। अगले में देखते हैं, ही लिव्स एट अ प्लेस नो बडी लिव्स देयर, वह एक प्लेस पर रहता है वहां पर कोई नहीं रहता,
यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूरे कंजंक्शन में हम मैंने बताया था सबॉर्डिनेटिंग जो दूसरे नंबर वाला है, दूसरे नंबर वाला जो था उसमें था एक कंजंक्शन, एक नहीं दो कंजंक्शन था, एक था वेयर और एक था वेयर एवर। प्लेस है ना, तो प्लेस के लिए तो वेयर ही लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही लिव्स एट अ प्लेस नो बडी लिव्स देयर। तो यहाँ पर हम अगर हम ये है ना जहाँ पे कोई नहीं रहता ना, जहाँ पे कोई नहीं रहता, तो जब हम लगाएंगे इसको तो ये प्लेस को हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्लेस के बाद ही अगर हम लोगों ने रख दिया तो ये एडवर्ब क्लाज ना होके एडजेक्टिव क्लाज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नाउन के बाद हम रख कर उसी के बारे में बता रहे हैं, उसी प्लेस के बारे में, तो वो एडवर्ब एडजेक्टिव क्लाज होगा। तो एडजेक्टिव क्लाज का प्रयोग हमको नहीं करना है, हमको करना है एडवर्ब क्लाज का। तो हो जाएगा ही लिव्स वेयर Nobody lives. No. Nobody lives. जब भी कंजंक्शन वेयर आ जाता है तो उस वाले सेंटेंस में कभी भी हियर और देयर का, हियर और देयर का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ही लिव्स वेयर नो बडी लिव्स, वह रहता है जहां कोई नहीं रहता, बस हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन, लगभग मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ पे कराया है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आज मैं इतना ही कराता हूँ, बाकी हम लोग देख लेंगे अगले वीडियो में। और इसको ध्यान से देखिएगा और आप लोग कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम आसानी से हो जाएगा। और ये वीडियो इसलिए मैं यहीं पर रोक रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए, ऑलरेडी ये 18 मिनट का हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ और मिलते हैं हम लोग इसी एक्सरसाइज को आगे लेके, 13 नंबर तक मैंने करा दिया है, अगले वीडियो में मैं इसका पूरा वीडियो कराऊंगा, पूरा क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।